नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई, दिन मंगलवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एनडीए में शामिल हुए चिराग, जीतन राम मांझी ने कहा आगामी चुनाव में नीतीश सरकार की विदाई तय। राजद एमएलसी सुनील सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट मचा रहे सियासी बवाल, प्रशांत किशोर ने बिहार में 7 दलों के महागठबंधन को लेकर कही ये बात। लालू यादव ने कहा हमें नरेंद्र मोदी को विदाई देनी है। इसके साथ ही बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। एनडीए में शामिल हुए चिराग, बीते ही दिनों बीजेपी नेता अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने निर्णय लिया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ जाएगी। बता दें कि चिराग पासवान के साथ जेपी नड्डा ने एक तस्वीर ट्वीट के जरिए साझा करते हुए कहा कि चिराग पासवान से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। विपक्षी दलों को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया सुझाव। भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को चुनावी लाभ तभी मिलेगा जब ये नेता आकर्षक मुद्दों के साथ जनता के बीच जाए और उनका समर्थन हासिल करे। साल 2019 में भी विपक्षी दल एक साथ आए थे, पर इसका कोई असर नहीं हुआ था और बीजेपी शानदार तरीके से जीती थी। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो, जनता का कोई मुद्दा हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को जनता की भावना में वोट में बदला भी जाए। जीतन राम मांझी ने कहा आगामी चुनाव में नीतीश सरकार की विदाई तय। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को समाप्त करने को लेकर हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संरक्षक में आगामी चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई तय है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार इसे वापस नहीं लेती हम चैन से बैठने नहीं देंगे। प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं की हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन सरकार पूरी तरह से गरीब और पिछड़ों की विरोधी है। इस सरकार की योजनाएं हाथी के दांत के समान है, चाहे शराबबंदी हो, नल जल योजना हो, आवास योजना सब फेल हो गई। योजनाएं सिर्फ कागज में दिखाई देती है। बता दें गांधी मैदान में 12 सूत्री मांगों को लेकर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे धरने में जीतन राम मांझी ने ये बातें कही। साथ ही उन्होंने मांग किया है कि गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के नाम से 5000 क्षमता वाले कन्वेंशन हॉल का निर्माण करवाया जाए। पारस गुट की सांसद वीणा देवी ने चिराग से की मुलाकात। चिराग पासवान ने एनडीए में जाने की पहली शर्त यही रखी थी कि वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब जब चिराग एनडीए में शामिल हो चुके हैं तो पशुपति पारस के हाथ से हाजीपुर की यह लोकसभा सीट निकलना तय माना जा रहा है, जो कि पारस गुट के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब इसी कड़ी में पारस गुट की सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सांसद वीणा देवी चिराग की पार्टी में शामिल हो सकती है। हालांकि मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। अश्विनी चौबे ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पलटू राम और उल्टू राम चाचा और भतीजे के पेट में विषैला दांत है जिसे जनता तोड़ कर रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और जो लोकतंत्र के दुश्मन थे, जिसने देश के अंदर आपातकाल लागू किया, आज उनकी गोद में बैठकर ये बिहार महागठबंधन की सरकार दिग्भ्रत करने का प्रयास कर रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो साकार नहीं होगा। बिहार चल नहीं रहा, देश चलाने वाले हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने बताया कि जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो या फिर सीबीआई की जांच बैठवाने की मांग की, जिसे लेकर राज्यपाल से आग्रह भी किया। सीएम नीतीश पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर सम्राट चौधरी पर लिखित शिकायत दर्ज। बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध जदयू नेता रंजीत कुमार ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल सम्राट चौधरी पर जदयू नेता द्वारा आरोप लगाया गया है कि सम्राट ने 13 जुलाई को बीजेपी द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान सीएम नीतीश कुमार को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावना को आहत पहुंचा। इस बात की जानकारी भी सामने आई कि भाजपा के एक विधायक जीवन कुमार द्वारा भी पूरे बिहार को जला देने की धमकी दी गई है। इन मामलों को देखते हुए जदयू नेता रंजीत ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राजद एमएलसी सुनील सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट मचा रहे सियासी बवाल। चल रहे विपक्षी एकता के बीच एक बार फिर से राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट लिखा है जिससे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ना तो हाँ बोलेंगे और ना तो ना बोलेंगे। सुनील सिंह के इस पोस्ट को देखते हुए लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। इससे पहले भी राजद एमएलसी सुनील सिंह द्वारा एक पोस्ट किया गया था, जिसे लेकर काफी सियासी बवाल देखने को मिला था।
दरअसल उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है। उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट करते हुए नीतीश कुमार का नाम लिखना शुरू कर दिया था। अभी हाल में उन्होंने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था, जहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पूछा था कि बिहार की सत्ता का शीर्ष नेतृत्व बेईमान अफसरों से घिरा है, लेकिन खुद को ईमानदार बताता है। जाहिर सी बात है कि उनका यह पोस्ट नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहा था। बिहार में होने वाले पोस्टर वॉर की राजनीति पहुंची बेंगलुरु। बेंगलोर में हो रहे विपक्षी दलों के बैठक के बीच बेंगलोर की सड़कें पोस्टर और बैनर से लदी दिखाई दे रही है। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया गया था, जहां नीतीश कुमार को अस्थिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया गया। इस पोस्टर में बिहार के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए गए, जहां सुल्तानगंज में तास के पत्तों की तरह धराशायी हुए ब्रिज की चर्चा देखने को मिली। अक्सर पोस्टर वॉर की राजनीति बिहार में देखी जाती थी, लेकिन अब यह पोस्टर वॉर की राजनीति नीतीश कुमार को लेकर कर्नाटक भी पहुंच गई। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यह पोस्टर के द्वारा लगाया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः यह पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए गए होंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार में सात दलों के महागठबंधन को लेकर कही ये बात। बिहार की राजनीति व जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के गठबंधन को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को पोल खोलने वाला बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आज जो सात दलों का महागठबंधन है, ये सरकार में मलाई मारने के लिए है। मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, बिहार की राजनीति में 2024 के बाद बदलाव होंगे। महागठबंधन सरकार में लोग सरकार के फायदे के लिए एक साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव तक वो एक दूसरे का गला हाथ पकड़ लेंगे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद लोगों में भगदड़ या रीअसेसमेंट शुरू होगा। ये चीज मैं लिख कर दे सकता हूं कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो आज की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। लालू यादव ने कहा, हमें नरेंद्र मोदी को विदाई देनी है। लालू यादव ने बंगलौर में होने वाले विपक्षी दलों के संयुक्त बैठक के दौरान कहा कि अब पीएम मोदी की विदाई का समय आ गया है। बता दें कि विपक्षी दलों के इस महाजुटान में राजद प्रमुख लालू यादव अपने छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पार्टी सांसद मनोज झा के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी को विदाई देनी है। मालूम हो कि इस बैठक में कांग्रेस समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए कुल 26 दलों के नेता शामिल हैं। छोटे सरकार से प्रसिद्ध अनंत सिंह की पत्नी ने अपने ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। अभी बीते ही रविवार को जेल में बंद बिहार की राजनीति में छोटे सरकार से प्रसिद्ध अनंत सिंह की चर्चा सुनने को मिली। दरअसल जेल में ही अनंत सिंह के समर्थक कैदी विरोधी गुट के कैदी के साथ आपस में भिड़ गए। इस बीच जब बीच बचाव में पुलिस के जवान या अन्य लोग आए, उनके घायल होने की खबर भी सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार अनंत सिंह जेल के जिस वार्ड में बंद थे, उसी वार्ड का दरवाजा शनिवार को खुला था, जिनके डिवीजन वार्ड के साथ साथ उनका बैरक भी रात भर खुला रह गया। जब रविवार के सुबह अनंत सिंह ने यह गेट खुला देखा तो वो इस बात को लेकर आग बबूला हो गए। अब इन्हीं मामलों को देखते हुए अनंत सिंह की पत्नी ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है। उन्होंने ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए कहा कि क्या इस दिन के लिए मोकामा की जनता ने आरजेडी की टिकट पर मुझे चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा है? क्या विपक्षी एकता असलियत बन सकती है, के सवाल पर पवार ने कही ये बात। एक साक्षात्कार के दौरान एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। जब विपक्षी एकता को लेकर उनसे सवाल किया गया कि क्या विपक्षी एकता असलियत बन सकती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसी कोई परेशानियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी को लगता है कि देश के खातिर सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि विपक्षी एकता आसान नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि हमें एहसास है कि अगर भाजपा को हराना है तो हमें एकजुट रहना होगा। इसमें कुछ परेशानियाँ हैं जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर स्वार्थ की राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी वजह से लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा देश के दूर दराज वाले इलाकों तक नहीं पहुंच पाया। आगे उन्होंने कहा कि दल उन्हीं कामों के प्राथमिकता देते थे जिसमें उनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र और द्वीप है वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। बता दें कि पीएम मोदी ने ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल के उद्घाटन के समय कही। उन्होंने कहा कि इस टर्मिनल के बन जाने से अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा सुगम हो जाएगी और विशेष रूप से इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान। AIMIM पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर एक बयान सामने आया है। दरअसल पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मुस्लिमों को वोट चाहिए, लेकिन नीतीश और तेजस्वी मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान द्वारा कहा गया है कि उन्हें किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उनकी पार्टी बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगी। इसमें समान विचारधारा वाले दलों को शामिल किया जाएगा। यहां हो कि उपेंद्र कुशवाहा और बसपा के साथ बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने गठबंधन किया था।
इन राज्यों के विधायकों पर है सबसे अधिक आपराधिक मामले। विपक्षी एकता की पहल केंद्र सरकार में मौजूद बीजेपी के खिलाफ की जा रही है। आज बैंगलोर में से लेकर विपक्षी एकता की दूसरी बैठक देखने को मिली। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अब इसी बीच भारत सरकार की संस्था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत के 28 राज्य के विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान विधायकों पर आपराधिक मामलों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर केरल और दूसरे स्थान पर बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक आपराधिक मामले विधायकों पर दर्ज है। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र शामिल है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिश तोर महतो, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार हाजीपुर के सीट से चिराग या पशुपति कौन प्रबल दावेदार हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।